रंगों का त्यौहार ऐसा होता है जहां पर दुश्मन भी गले मिलते हैं और सारे गिले शिकवे मिलाकर एक दूसरे के साथ पूरा इस त्यौहार को मनाते हैं और साथ रहकर एंजॉय करते हैं। आज मैं मौजूद हूं ऐसी जगह जहां पर पूरा जनपद इकट्ठा होकर यहां रंगोत्सव का त्यौहार मनाया है और लोगों के साथ मिलकर एक दूसरे के गिले शिकवे भुलाकर एक साथ चलने की बात कही है। सूबे के जो राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह, मैं वहाँ मौजूद हूँ। अभी पूरा कुनबा यहाँ पर जमा हुआ था, पूरे जनपद के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, लोग इनको बधाइयाँ दे रहे हैं, रंगोत्सव की बधाइयाँ दे रहे हैं, त्यौहार की बधाइयाँ दे रहे हैं। साथ ही मंत्री जी भी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ और जो अपना उपहार है लोगों को देकर बधाइयां दे रहे हैं। चूंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि साथ में एक वॉकर भी है, मंत्री जी के पैर में चोट लगने के कारण बहुत चल पाने में सक्षम नहीं है, फिर भी लोगों के साथ मिलकर जिस तरह से त्यौहार मना रहे हैं, जिस तरह रंगोत्सव का त्यौहार मना रहे हैं, वो निश्चित तौर पर एक लोकप्रिय प्रतिनिधि होने का कारण भी बनता है और ये प्रदर्शित भी करता है। आइए जानते हैं मंत्री जी के साथ में ही, चूंकि पैर में चोट लगी है और ये वॉकर भी बगल ही रखा हुआ है, तो जानते हैं कि पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ है, आपने लोगों को शुभकामनाएं दी, तो सारे जितने भी इनके यहाँ के जो गिले शिकवे हैं वो सभी भुलाकर आपके पास आ रहे हैं। सर, आज तो पॉलिटिकल दिन नहीं है, आज रंगोत्सव का दिन है, एक अच्छा त्यौहार है जहां पर आपके भी चेहरे पर रंग लगा हुआ है, खिल रहा है, तो इन सब से इतर हटकर आप यहां आज क्या हुआ? देखिए, मेरी सनातन संस्कृति और प्रकृति हर मनुष्य को कुछ ऐसा देती है, चाहे वो कमजोर हो, चाहे ताकतवर हो, गरीब हो या अमीर हो, होली के दिन उसको अपने आप खुशियाँ मिलती हैं। किसी कवि ने कहा था, करें जब पांव खूब नर्तन, समझ लेना कि होली है। अपने आप में मन झूमने लगता है हर व्यक्ति का। ऐसा होली का त्यौहार हमारी सनातन संस्कृति में इसलिए मनाया जाता है कि जब भी कभी साल भर में किसी के मन में, किसी के मस्तिष्क में किसी के प्रति बुराई आ जाए, तो इस दिन हम लोग उस बुराई को दूर करके, ख़त्म करके और एक ऐसे समाज का, ऐसे सुखद समाज की स्थापना करें जहाँ कहीं कोई ईर्ष्या द्वेष न रह जाए। इसलिए ये प्रकृति ने और सनातन संस्कृति ने, दोनों ने हमको ये उपहार दिया है। मैं आज के दिन अपने रायबरेली वासियों को, अपनी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की ओर से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी की ओर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि हमारी रायबरेली ऐसे सुख समृद्धि और वैभव से हमेशा परिपूरित रहे और हर होली हम लोग इसी उल्लास के साथ रायबरेली वासे मनाते रहें। आज वैसे भी पॉलिटिकल दिन नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी तक रायबरेली की जो जनता थी वो गांधी परिवार में सराबोर थी, वो मानती थी कि नहीं, गांधी परिवार जो है बड़ा नज़दीक है, मन में है, लेकिन होली के ठीक पहले एक ऐसा संदेश मिला, एक ऐसी उनको खबर मिली जिसमें कि जो यहाँ के सांसद हैं वो संन्यास लेने की बात तक कह डाली, रायबरेली चुनाव न लड़ने की बात कह डाली, और आपका जो चुनाव था बहुत नज़दीक था, तो क्या लगता है कि इस बार सारे गिलवे शिकवे भूलकर रायबरेली की जनता पूरा आशीर्वाद देगी? सबसे पहले तो आपने ये बात अगर चर्चा की है तो मैं जिनसे चुनाव लड़ा हूँ, मैं उन्हें भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सोनिया गांधी जी के लिए भी ये होली शुभ हो। हम सब देशवासी इसीलिए इस होली को मनाते हैं और केवल वो भारत में ही मनाई जाती। इतनी ताकतवर संस्कृति किसी दूसरे देश को प्रकृति ने नहीं दी, भगवान ने नहीं दी, जितनी ताकतवर संस्कृति हम लोगों के पास है। ये विरासत है हमारी, हम होली में कब से मना रहे हैं मुझे पता नहीं है और कब तक मनाएंगे मुझे पता नहीं है, तो इसलिए ये राजनीति से विषय दूर है। लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई राजनीतिक विषय नहीं है, सबको होली की शुभकामनाएँ, चाहे वो राजनीतिक पक्ष का व्यक्ति हो, चाहे राजनीतिक विपक्ष का व्यक्ति हो। आज पूरा प्रदेश, क्योंकि पूरे प्रदेश में आप भ्रमण करते हैं, मैंने कल देखा कि ढेर सारे लोग पूरे प्रदेश के अन्य जनपदों से आपसे मिलने आए थे, तो आज आपने गृह जनपद में हैं, आप घर पे हैं, तो पूरे जनपद के जो प्रदेश के लोग हैं वो कैसे आपको मिस कर रहे होंगे? दुनिया में चाहे जितना दौड़ कर आइए, लेकिन अपने घर में जो सुकून मिलता है, सम्मान कहीं कितना मिल जाएगा, लेकिन सुख और सुकून अपने ही घर में मिलता है। दिनेश सिंह
को सुकून और सुख अगर कहीं मिलता है तो रायबरेली में ही मिलता है, रायबरेली के लोगों के ही बीच में मिलता है। ये होली मैं सदियों से, जब से मैं जन्म लिया हूँ तब से मैं इस होली को अपने इसी पंचवटी परिवार के साथ अपने इसी गांव में मनाता हूँ जहाँ हमको हमारी माँ पिताजी ने जन्म दिया था। और मैं कभी आज तक किसी होली में अपने इस गांव से विरक्त नहीं हुआ, इसी में हमेशा होली दिवाली मनाता हूँ। और ईश्वर करे हमको ऐसी ग्रामीण जनता, ग्रामीण परिवेश के बीच में हमेशा होली मनाने का भगवान अवसर देते रहें। तो आपने देखा कि एक ऐसे सादगी से भरे, एक ऐसे संस्कारवान व्यक्ति जिनका साफ कहना है कि सभी को, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सभी को होली की शुभकामनाएं। और जो होली मनाने की परंपरा रही है वो सदियों से इसी पंचवटी परिवार में रही है। तो मंत्री होने के बाद भी जहां पूरा प्रदेश इंतज़ार कर रहा था, पूरा प्रदेश आज भी इंतज़ार कर रहा है और लोग वहाँ आए भी यहाँ शुभकामनाएँ देने, लेकिन जो मंत्री जी हैं, मंत्री जी आज भी अपने पैतृक निवास पर ही, गांव में ही लोगों के साथ मिलकर होली मना रहे हैं, लोगों को शुभकामनाएं दे रहे हैं, लोग उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। रायबरेली से कैमरामैन रविंद्र के साथ पंकज सिंह, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।